आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अगर आपका टिकटॉक का वीडियो ड्राफ्ट से डिलीट हो गया है तो उसे कैसे वापस ला सकते हैं, तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, क्विक इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आपका टिकटॉक का वीडियो ड्राफ्ट से डिलीट हो गया है तो उसे आप वापस ला सकते हैं, लेकिन आपको एक बात अब बता दें कि यह वीडियो डिलीट होता क्यों है। अगर आप टिकटॉक आईडी को लॉग आउट करते हैं और वहां पर आप दूसरे आईडी को लॉगिन करते हैं तो उस वक्त आपका टिकटॉक का वीडियो ड्राफ्ट से डिलीट हो सकता है, या आप जब अपने फ़ोन में जाके मेमोरी कार्ड या फ़ोन स्टोरेज से कुछ टिकटॉक से जुड़े फाइल आप डिलीट करते हैं तो उस कारण भी आपका ड्राफ्ट का वीडियो डिलीट हो जाता है, या आप टिकटॉक ऐप को अनइंस्टॉल करते हैं फिर से इंस्टॉल करते हैं तो उसके कारण भी आपका टिकटॉक का वीडियो ड्राफ्ट से डिलीट हो जाता है। तो इसे वापस लाने के लिए सबसे पहले आपको टिकटॉक ऐप ओपन करना है। तो चलिए हम टिकटॉक ऐप ओपन करते हैं। टिकटॉक ऐप ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसके बाद कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कॉर्नर में एक पर्सन का आइकॉन दिखेगा जिसके नीचे में लिखा हुआ है, यानी इसे टिकटॉक का प्रोफाइल आइकॉन भी बोलते हैं। तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले चेक कर लेना है कि यहाँ पर आपका टिकटॉक का ड्राफ्ट वीडियो है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा टिकटॉक का ड्राफ्ट वीडियो डिलीट हो गया है। तो यहाँ पर इसको रिकवर करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर को ओपन करना होगा। तो चलिए हम प्ले स्टोर को ओपन करते हैं। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद आपको सर्च बॉक्स में यहाँ पर टिकटॉक सर्च कर लेना है, और टिकटॉक सर्च करने के बाद अगर आपका फ़ोन में टिकटॉक का अपडेट आया हो तो इसको अपडेट कर लेना है। अगर अपडेट नहीं आया हो तो इसे अपडेट नहीं करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको अपडेट आया है, तो इसको हम अपडेट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपल सो इसको आपको बैक करना है, और उसके बाद आपको फिर से यहाँ पर आपको टिकटॉक ऐप ओपन करना है। टिकटॉक ऐप ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने टिकटॉक प्रोफाइल का एक स्क्रीनशॉट लेना है। तो चलिए हम इसका एक स्क्रीनशॉट लेते हैं। और इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको ऊपर में कॉर्नर में आपको एक थ्री डॉट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको रिपोर्ट ए प्रॉब्लम का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इधर सर्च होगा, तब तक आपको वेट करना है। उसके बाद कुछ इस तरह से आ जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थर्ड नंबर में दिया गया है माई ड्राफ्ट आर डिलेटेड। तो आपको यहाँ पर ड्राफ्ट वीडियो रिकवर करने के लिए आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ आर्टिकल मिलेंगे। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है इज योर प्रॉब्लम रिसॉल्व। अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है। अगर नहीं सॉल्व हुआ है तो यहाँ पर नो पे क्लिक कर देना है। नो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको स्टिल है प्रॉब्लम का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका जो भी यहाँ पर टिकटॉक के वीडियो से जुड़ी प्रॉब्लम है आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना होगा, यहाँ पर लिखना होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिख लेना है, यहाँ पर देयर टिकटॉक टीम लिख लेना है। तो यहाँ पर आपको बड़ी अच्छे से यहाँ पर समझा के लिख लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपको टाइप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे में इंटर करके आपका जो भी प्रॉब्लम हो आपको यहाँ पर लिख लेना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम कुछ भी यहाँ पर लिख लेते हैं, तो यहाँ पर लिख लेना है। तो हम चलिए कुछ यहाँ पर लिख के बता देते हैं आपको, बहुत अच्छे से यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। योर यहाँ पर टिक टॉक ड्राफ्ट वीडियो डिलीटेड। तो इस तरह से आपको जो भी लिखना हो यहाँ पर लिख लेना है। तो यहाँ पर हम एग्जांपल के तौर पर बता रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी आपका जो स्क्रीनशॉट लिए थे प्रोफाइल का उसको यहाँ से चूज कर लेना है। तो चलिए इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपका गैलरी ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका गैलरी का एक स्क्रीनशॉट लेने, वहाँ पर जो हम प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट लिए थे वहाँ से आपको चूज कर लेना है। तो चलिए इसको हम चूज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा यह जो फोटो है यह चूज हो गया है। तो सिंपल आपको यहाँ पर टिक मार्क करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ओके पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर ओके पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से यह अपलोडिंग होने लगेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको रिपोर्ट पे यहाँ पर आपको यह मैसेज सेंड कर देना है। तो चलिए यहाँ पर हम रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं। और यहाँ पर जैसे ही रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से यह देख सकते हैं कि यहाँ से यह फीडबैक चला गया है, यहाँ पर रिपोर्ट हो गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि माई सपोर्ट टिकट्स यहाँ पर आ गया है और मेरा यहाँ पर फीडबैक सेंड हो गया है। तो इस तरह से आप
अपने टिकटॉक के, अगर आपका टिकटॉक का ड्राफ्ट वीडियो डिलीट हो गया है तो इस तरह से आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और आपको 1 से 2 घंटे के अंदर आपका टिकटॉक वीडियो वापस आ जाएगा और आपको उधर से टिकटॉक के तरफ से, टिकटॉक के टीम के तरफ से आपको एक मेल किया जाएगा इस टिकटॉक आईडी पे। तो इस तरह से आप अपने टिकटॉक के ड्राफ्ट वीडियो डिलीटेड को वापस ला सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। धन्यवाद।